सह आचार्य राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चालुक्य वंश मूल्यांकन। भीमदेव का मूल्यांकन करते हुए डॉक्टर वी एन पाठक ने कहा है कि भीम कूटनीति के प्रयोग में अत्यंत कुशल था तथा राजनीति के क्षेत्र में उसने बड़ी से बड़ी सत्ताओं को सफलतापूर्वक लोहा लिया। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी लिखा है कि वास्तव में लक्ष्मीकर्ण को अपनी ओर मिलाकर भोज को पराजित करने में भीम ने अत्यधिक कूटनीति से कार्य लिया और उस युग के नेपोलियन को अपने संकेतों पर चलाया। भीम एक महान निर्माता भी था। उसने अपने सामंत विमल द्वारा ऋषभदेव की स्मृति में आबू में देलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण करवाया, जो स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। उसने पतन में दो मंदिरों भीमेश्वर और भटारिका का निर्माण करवाया, जिसे बाद में मुसलमानों ने नष्ट किया। उसके शासनकाल में एक मस्जिद अहमदाबाद में बनवाई गई, जो भारत में सर्वप्रथम ज्ञात मस्जिद है। उसकी रानी उदयमती ने रानी की माप नामक एक बावड़ी बनवाई, जो कला की दृष्टि से सहस्त्र स्त्रीलिंग सरोवर से भी उत्कृष्ट है। कर्ण ने अपने पिता से प्राप्त राज्य को अक्षुण ही नहीं रखा, वरन तत्कालीन परिवेश में उसका विस्तार भी किया। नेक्स्ट है परमारों पर असफल आक्रमण। कर्ण का सबसे जबरदस्त संघर्ष मालवा के परमार राजा उदयादित्य से हुआ। सुकृत संकीर्तन में कहा गया है कि कर्ण ने मालव राजा को हराया और एक नीलकंठ की प्रतिमा उठा ले गया। कुमारपाल के समय के एक अभिलेख का कहना है कि सूदकूप के निकट मालवराज कर्ण द्वारा पराजित किया गया, किंतु सूरथोतस्व और पृथ्वीराज विजय जैसे ग्रंथों का कहना है कि उसने मालवराज पराजित किया। ऐसा प्रतीत होता है कि युद्ध में पहले कर्ण की विजय हुई, परंतु शीघ्र ही उदयादित्य ने अपने मित्रों की सहायता से उसे पराजित कर उसके आक्रमण को विफल कर दिया। उसकी सहायता करने वाले मित्रों में प्रमुख था शाकंभरी का चहमान राजा विग्रहराज तृतीय। नेक्स्ट है नाडोली के चहमानों का आक्रमण। चाचिक देव के सुगंधगरी अभिलेख से विदित होता है कि नाडोल के चहमान राजा पृथ्वीराज ने कर्ण की सेना को पराजित किया। फिर भिल शासक पर विजय। प्रबंध चिंतामणि से ज्ञात होता है कि उसने आशापल्ली के भिल शासक आशा को पराजित कर वहां एक देवी मंदिर का निर्माण करवाया। मृत्यु एवं मूल्यांकन। हमीर महाकाव्य से ज्ञात होता है कि कर्ण की मृत्यु चहमान नरेश दुर्लभराज से युद्ध करते हो गई थी, किंतु पृथ्वीराज विजय से विदित होता है कि कर्ण दुर्लभराज के बाद भी जीवित रहा। कर्ण अपने पिता की भांति आक्रामक युद्ध करता रहा। वीर एवं साहसी होने के अतिरिक्त वह परम धर्मनिष्ठ शैव तथा निर्माता भी था। भीलों को हरा कर उसने कोंदप्रभा देवी का मंदिर बनवाया। उसने कर्णवती नगर की स्थापना की तथा कर्णवेश्वर मंदिर, कर्णसागर सरोवर, किंतु अहिल पाटन का कर्णमेरु मंदिर, रूपिन नदी पर बांध भी बनवाया। वह शैव होते हुए भी जैन धर्मावलंबियों का आदर करता था। वह जैन आचार्य वर्धमान सूरी का आश्रयदाता था। कुमारपाल के शिलालेख में उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए उसे रूपश्री तथा भीमदित्य के शिलालेख में कामिनी कर्दप का विरुद्ध से सुशोभित किया गया।